डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आया हूँ वॉइस की पहली वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो वॉइस है इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही अलग और डिफ़िकल्ट लेवल का चैप्टर माना जाता है, स्टूडेंट सब ऐसा कहते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो जनरल रूल है, उसको ध्यान में रखकर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वॉइस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि वॉइस इज़ द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस में ही कुछ ऐसा ही मैंने बताया था। तो इस सेंटेंस का हिंदी ये हुआ कि वॉइस जो है एक वर्ब के और मेन वर्ब जो होता है उसका रूप है, इन विच, जिसमें समबडी डज समथिंग। देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, समबडी डज समथिंग मतलब कोई व्यक्ति कुछ करता है, और समथिंग इज डन बाय समबडी या फिर किसी व्यक्ति द्वारा कुछ किया जाता है उसे हम वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस डेफिनेशन में आपको दो ही बात याद रखना है। पहली बात कि समबडी डज समथिंग मतलब कोई कुछ करता है या कोई काम करता है, ऐसे समझना है आपको, या फिर समथिंग इज डन बाई समबडी या फिर किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है या फिर होता है। तो आप इसका डेफिनेशन देख लिए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, पहला टाइप एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो जो हमारा बोर्ड के एग्ज़ाम है उसमें एक्टिव से पैसिव भी पूछा जाता है और पैसिव से एक्टिव भी पूछा जाने लगा है, मतलब पिछले एक दो साल से ऐसा हुआ है कि आपको एक्टिव से पैसिव भी दिया जाता है और पैसिव से कभी कभी एक्टिव भी पूछा जाता है। तो जितने सारे पॉइंट हैं, जितने सारे टाइप होंगे, जितने सारे रूल होंगे, सारे के सारे हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यानी बेसिक से समझाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको रूल्स की तरफ लेकर जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर है, एक सेंटेंस है। एक बात और बता दूं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है समबडी डज समथिंग, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है एक्टिव वॉइस का। कोई भी व्यक्ति या फिर कुछ काम करता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस में, या फिर आप यूँ कहें कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग इज डन बाई समबडी, मतलब किसी के द्वारा कुछ किया जाता है या फिर किसी के द्वारा कुछ हो जाता है। तो अब यहाँ पे आपने समझ लिया। अब इसके एग्जाम्पल से थोड़ा सा कंसेप्ट को रूटेड करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, लता राइट्स अ लेटर। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लता पत्र लिखती है, तो यहाँ पे क्या करे, लता का लिखने का काम है पत्र, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका लता, ये एक्टिव है मतलब ये काम कर रही है, किस चीज़ का, पत्र लिखने का। तो आप कह सकते हैं कि समबडी डज समथिंग, तो ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव वॉइस देखिए, दूसरा सेंटेंस, अ लेटर इज रिटेन बाई लता। देखिए मैं इसका रूल भी बताऊंगा, यहाँ पे कंसेप्ट को पहले समझ लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक पत्र लता के द्वारा लिखा जाता है, या फिर आप यूँ कहें कि लता के द्वारा पत्र को लिखा जाता है। तो इसमें जो ए लेटर है ना, ये एक्टिव में नहीं है, पैसिव में है, ये काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है कौन, लता काम कर रही है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कि पैसिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट पैसिव होता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा होता है, वो सोया हुआ होता है। और एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो जागा हुआ होता है, कहने का मतलब एक्टिव में होता है। आप दूसरे तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ए लेटर इज रिटन बाई लता, इसका मतलब है कि ये काम हो रही है, समथिंग इज डन बाई समबडी।
तो आपको यहाँ पे जो वॉइस का बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट रूल की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में पिछली पहले मतलब एक साल पहले मैं आपको पुराना तरीका से जैसे बहुत पहले पढ़ाया जाता था कि हर एक टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का अलग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अलग, मतलब हर एक टेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर बताया जाता था और हर एक सेंटेंस का जैसे अफर्मेटिव का अलग बताया गया, निगेटिव का अलग, यस नो क्वेश्चन का अलग, डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अलग, मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर हो जाते थे। तो वो सब मैं करवा चुका हूँ, इस बार मैं आपको कुछ अलग तरीके से करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो करवाने वाला हूँ, यहाँ पे देखिएगा सभी टेंस के पैसिव वॉइस, मतलब इस वीडियो लेक्चर में आप जितना भी टेंस है ना, 12 जो चार जो थ्री होते हैं ना, तीन टाइप्स होता है टेंस का और तीनों का चार चार अलग अलग भेद होता है। तो 4 3 जा कितना हुआ 12, इतने सारे जितने भी टेंस के वॉइस होते हैं सारे के सारे आज हम क्लियर कर लेंगे और ये हम करेंगे आज असर्टिव सेंटेंस का, और फिर अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक जनरल रूल्स दिया जा रहा है। अब इस बात का याद रखिएगा कि आपको जो जनरल रूल दिया जा रहा है ये एक प्रकार का डिफ़ॉल्ट फार्मूला है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, फ़ोन खरीदते हो, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है फ़ोन के अंदर, उसके बाद आप उसको बार बार तरह तरह की चीज़ों को सेटिंग करते हो अपने मुताबिक, मतलब अपने अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डिफ़ॉल्ट फार्मूला दे रहा हूँ, मतलब डिफ़ॉल्ट आपका रूल दिया जा रहा है, जो कि जितना भी, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी वॉइस होगा ना सारे के सारे वॉइस में ये रूल काम आएगा, सारे के सारे जितने तरीके का वॉइस होगा सारे में ये स्ट्रक्चर आपके काम आएंगे। तो उसको अब ध्यान से देखते हैं क्या है। तो देखिएगा ये है आपका डायग्राम। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि जो ये जो डायग्राम बताने वाला हूँ ना, ये आपके माइंड में पूरी तरह से मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ, मतलब आपके माइंड में ये फिगर को डालने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसका एक अलग से स्ट्रक्चर भी दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए आपको एक्टिव वॉइस यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। अब ध्यान दीजिएगा, हमें ज़्यादातर बार एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चाहे एक्टिव से पैसिव बोले या फिर पैसिव से एक्टिव बोले, हम बहुत आसानी से कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्टिव और पैसिव लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और यहाँ पे एक आपका दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको इस फार्मूला को, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिएगा मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब आपको एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको प्रश्न एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो और आपको पैसिव वॉइस में बनाना हो, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक्टिव वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में। ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो चला जाएगा पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे, और ये जो आप देख रहे होंगे तीर, ये दोनों तरफ से है, मतलब कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में ऑब्जेक्ट तो जाएगा ही, और जब आपको पैसिव बनाने के लिए दिया जाएगा तो पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब दूसरी बात याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, और ठीक उसी प्रकार से जब आपको पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कहा जाए तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जब मैं आपको समझा रहा हूं तब आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखना है और समझना है। ये दो बातें आपको समझ में आई, उसके बाद अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। पैसिव वॉइस बहुत ईजी है अगर आप ये स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट कौन, जो काम कर रहा है, राम, सीता, मोहन, गीता, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आप क्या यूज करोगे पैसिव वॉइस में, ऑग्जिलरी वर्ब। ऑग्जिलरी वर्ब कहने का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब होते हैं, ठीक है ना, तो इनको आपको यूज करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे। इस तरीके से आपको इस रूल को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको एक तीर बनाया हूँ कि इस तरीके से आपको ये रूल को अपने माइंड में फिट करना है। देखिएगा, फिर से समझिए, आपको जब भी पढ़ना ना तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या यूज करेंगे, ऑग्जिलरी वर्ब, मैंने बताया ना। उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वो मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म आप यूज करेंगे, जैसे गो, बेंट, गॉन, तो गॉन यूज करेंगे, टीच, टाउट, टाउट होता है ना, तो भीतरी, आपको मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज करना है। उसके बाद आप यूज करेंगे प्रीपोजिशन बाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, जो वॉइस होता है ना उसमें 90% बार ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन के रूप में हम बाई का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन बाई को नहीं लेते, उसको अलग तरह की प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ ब्रैकेट में प्रीपोजिशन, मतलब दूसरा प्रीपोजिशन भी आ सकता है, लेकिन 90% बार ऐसा होता है कि वो वाई ही आता है। उसके बाद आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से रख समझना, वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाना, मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करोगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, ठीक है ना। हमको कैसे पढ़ना है, हमको इस तरीके से जाना है, अपने माइंड में डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद बाई, ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और समझाना चाहूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आप यूज करोगे, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, ये वाला रूल जो अभी मैंने इस तरीके से घुमाया, इसको आप माइंड में फिट कर लो, पूरा का पूरा जितना भी वॉइस है ना उस सारे में ये चलेगा, यही रूल से पूरे के पूरे वॉइस बन जाएंगे, पूरा कंसेप्ट है ये वॉइस का, तो आप इसको कैसे याद रखोगे। तो उसी चीज़ को मैंने इस तरीके से लिख रखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई, और उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, तो आप इसको याद रखो और अभी 2-3 बार माइंड में पढ़ो। मैं इसी स्ट्रक्चर से सारे के सारे वॉइस ख़त्म कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, तो अब इसको याद कर लीजिए। चलिए, मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी याद नहीं है, तो एक बार और मैं भी पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपके लिए एक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इधर लिखा है मैंने एक्टिव वॉइस और इधर लिखा है पैसिव वॉइस, ठीक है ना, और अभी जो स्ट्रक्चर बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रखा हूँ क्योंकि अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे देख के समझ पाओगे, और इसे याद कर लेना, ठीक है, तभी समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक्टिव वॉइस, मतलब इधर जो बातें लिखेंगे वो एक्टिव वॉइस वाली होगी और इधर लिखेंगे जो पैसिव वॉइस वाली होगी। अब यहाँ पे समझना है कि अगर एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनना, अगर आपका प्रश्न आता है आपके एग्जाम में और अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिख गया, ध्यान से सुनना, अगर आपको एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म, जिसे हम कहते हैं V1 या फिर V5,
और V5 में S या ES लगा होता है, आप लोग को पता है, आप लोग ऐसे बोलते हो, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है V1 या V5 जैसे ही दिखा तो पैसिव वॉइस में आपको यूज करना है उसी के जगह पे इज एम आर। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप ये क्या, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिखे तो पैसिव वॉइस में इज एम आर, यानी आपको कहना ये है कि V1 या V5 का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर। और पता है ये क्या चेंज हो रहा है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब आप यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना कि जब आप फ़ोन खरीदते हो तो आपको फ़ोन में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, तो ये आपको डिफ़ॉल्ट फार्मूला है, इसी में आप सब फार्मूला को अपने हिसाब से सेटिंग करोगे। मतलब कि अगर आपको प्रश्न में V1 या V5 दिखता है तब आपको इज एम या आर यूज करना है और ये फार्मूला में ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे सेट कर देना है, यानी आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। चलिए मैं अभी करवाने वाला हूँ, शुरू में प्रॉब्लम होगा अगर आपने वॉइस अभी तक नहीं पढ़ी है तो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आगे करवाने वाला हूँ। दूसरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, मतलब दूसरी बातें आपको याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस V4 दिख गया, V4 का मतलब है वर्ब का चौथा रूप यानी ING फॉर्म वाला, तो इज एम आर के बाद जैसे ही आपको V4 दिखा तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है ना, याद रखना। ये कैसे याद रखेंगे मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप स्ट्रक्चर को याद रखोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, V4 है ना, तो यहाँ पे भी तो ये V4 है, ING फॉर्म है, और किसका V4 है, BEB का, बी मतलब होना होता है, उसी का V4 है बींग। तो आप याद रखना इज एम आर प्लस V4 आएगा एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज एम आर प्लस बींग, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे देखिएगा तीसरा है हमारा, तीसरा हमें बात याद रखनी है कि अगर एक्टिव वॉइस में आपको हैज हैव प्लस V3 दिखा तो आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है हैज हैव प्लस बीन। और ये इसे आप कैसे याद रखोगे, ये क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ये भी तो है वर्ब की तीसरी फॉर्म, कौन सा वर्ब की, BEB का, मैंने अभी बताया ना उसका ये तीसरी फॉर्म है। तो आपको अगर इस तरीके से भी नहीं याद होता है तो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, बस यहाँ पे देखो पहले समझ लो। अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव के बाद V3 है तो आपको पैसिव वॉइस में हैज हैव के बाद बीन लगा देना है, ठीक है, या फिर आप ऐसे याद रखो कि हैज हैव दिखेगा तो मैं बीन लगा दूंगा, हैज बीन हैव बीन कर दूंगा, ठीक है। और ये सारे जो डिफ़ॉल्ट है ये कहाँ पे सेटिंग करना है हमको, इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे खाली स्थान है ना, यहाँ पे सेटिंग करना है। कहने का मेरा मतलब है कि अगर एक्टिव वॉइस में हैज हैव के बाद V3 दिखाई दिया तो आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे मैं सेटिंग कर रहा हूँ हैज हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। मतलब डिफ़ॉल्ट फार्मूला में थोड़ा थोड़ा सेटिंग करते जाना है और सारे के सारे फार्मूला यूं याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से अब मैं आपको करवाने वाला हूं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहां तक समझ में नहीं आई है आपको, क्योंकि पहली बार, मेरे को पता है पहली बार में ये बहुतों को समझ में भी नहीं आ सकता है, तो अगर नहीं आएगा तो ये बहुत इजी फार्मूला है, आप इसको दोबारा से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, पहला देखिए ही हेल्प्स माई सिस्टर। अब मैं आपको पहले कंसेप्ट बनाने के लिए इजी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे हम बहुत हार्ड तक करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रश्न है एक्टिव वॉइस में ही हेल्प्स माई सिस्टर, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो
तो जैसे ही आपको एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रश्न दिया गया है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो डिफ़ॉल्ट फार्मूला था वो याद आना चाहिए। ये क्या था? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना? हाँ। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, तो मैंने क्या किया, माई सिस्टर को यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बना दिया। जो मैं आपको डायग्राम बनाया था, एक स्ट्रक्चर दिखाई थी ना फिगर वाला, उसमें मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, बताए थे ना। उस रूल से आपको यहाँ पे माई सिस्टर ऑब्जेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अब आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हमने पढ़ा कि अगर V1 या V5 दिखेगा तो उसका पैसिव वॉइस होगा इज, एम, आर। तो यहाँ पे देखिए हेल्प्स क्या दिख रहा है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है ना, एस या एस किस में लगता है, वर्ब का पांचवा रूप में। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेंस क्लियर नहीं है, टेंस की वीडियो देखिए, 13 पार्ट मैं करवाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे V5 दिख रहा है तो V5 का पैसिव वॉइस होगा इज या फिर एम या फिर आर, ठीक है। तो यहाँ पे माई सिस्टर सिंगुलर है, इसके लिए लगेगा इज, तो हम यहाँ पे करेंगे माई सिस्टर इज। उसके बाद हमें यहाँ तक क्लियर हो गया सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद हमें लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पे हम हेल्प है ना, यहाँ पे हेल्प पांचवी फॉर्म में है, तो इसको हम कर देंगे तीसरा फॉर्म में, तो हो जाएगा आपका माई सिस्टर इज हेल्प्ड। उसके बाद लगाना है हमें प्रीपोजिशन बाई, तो हमने हेल्प के बाद बाई कर दिया, हेल्प्ड बाई हिम। हिम कहाँ से लाया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में था ही, और ही क्या था, सब्जेक्टिव केस में, इसको हमें करना है ऑब्जेक्टिव केस में, तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा हिम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है आई राइट अ लेटर, मैं बहुत ईजी पहले करवा रहा हूँ कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, राइट V1 फॉर्म में, तो V1 में दिखाई देगा, तो V1 का पैसिव वॉइस क्या होगा, इज या फिर एम या फिर आर। और जो मैं आपको जनरल फार्मूला, जो डिफ़ॉल्ट फार्मूला दिया था, उसके हिसाब से सबसे पहले ये सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट में और ये ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट में, ठीक है। बेसिक से मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना, आपको ध्यान से देखनी है तभी समझ में आएगा, ठीक है। आता है तो भी देखना है। तो यहाँ पे ए लेटर है ना, इसको हम लेकर आएंगे अ लेटर, क्लियर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम V1 यहाँ पे दिखाई दे रहा राइट, तो मैंने पढ़ा है V1 का पैसिव वॉइस इज, एम, आर, तो एक लेटर है ना सिंगुलर, तो इसके लिए क्या लगेगा, इज ही लगेगा, तो हमने कर दिया अ लेटर इज। और फिर चले आएंगे जनरल फार्मूला, डिफ़ॉल्ट फार्मूला पे, तो सब्जेक्ट उसके बाद इज, एम, आर है ना, या फिर आप कहें ऑक्सिलरी वर्ब, आपको याद करवाया था मैंने। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वर्ब की तीसरी फॉर्म राइट का क्या होगा, रिटेन, ठीक है। उसके बाद बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने कर दिया वाई मी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में था आई, तो आई का जो होता है सब ऑब्जेक्टिव केस वो होता है मी, तो हमने यहाँ पे कर दिया अ लेटर इज रिटेन बाई मी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, लिखा हुआ है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आपको मैंने क्या बताया था कि इज, एम या फिर आर के बाद V4 दिखा आया है, तो देखिए यहाँ पे एम के बाद V4 दिख रहा है, V4 का मतलब होता है ING लगा होने वाला वर्ब, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है V4, तो यहाँ पे आप कैसे बनाएंगे, जैसे ही आपको इज, एम, आर प्लस V4 दिखे तो पैसिव वॉइस में इज, एम, आर और प्लस बीइंग करना है। तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे, अ लेटर यहाँ से लेके आएंगे पहले, तो अ लेटर, और अ लेटर के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एम लगा हुआ है, तो ए लेटर में तो एम नहीं ना लगेगा, उसी का फैमिली का है इज, एम, आर, तो यही तीनों में से कोई लगेगा, तो अ लेटर इज यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें करना था बीइंग, ठीक है, तो हमने कर दिया अ लेटर इज बीइंग, क्लियर। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब,
और प्लस भी थ्री, उसके बाद हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, तो राइट का भी थ्री हो गया रिटेन, ठीक है। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई मी, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज कुकिंग फूड, देखिए तो यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आपने टेंस पढ़ी होगी तो सारा मामला आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे इज प्लस भी फोर है ना, तो इसीलिए हम लोग इज एम आर प्लस बीइंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले तो फूड को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इज बीइंग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इज के बाद यहाँ पे वी फोर था, तो इज एम आर का पैसिव वॉइस होता है इज एम आर प्लस बीइंग, तो हमने कर दिया फूड इज बीइंग, है ना। उसके बाद हमें लगाना था वर्ब की तीसरी फॉर्म। सबसे ऊपर देखिए जनरल रूल्स के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया है, सब्जेक्ट प्लस ऑग्जिलरी वर्ब, तो ऑग्जिलरी वर्ब खाली स्थान है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उसमें हम चेंज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इज बीइंग कर दिया। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो कुकिंग यहाँ पे वी फोर फॉर्म में है, इसको हम कर देंगे कुकड, क्लियर। उसके बाद लगाएंगे प्रीपोजिशन बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, ठीक है, फूड इज बीइंग कुकड बाई हर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट का एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ सी हैज हेल्प्ड माई फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हैज प्लस भी थ्री है ना, तो जैसे ही आपको हैज प्लस भी थ्री दिखा तो ये वाला माइंड में आना चाहिए कि हैज हैव का पैसिव वॉइस होता है हैज बीन और हैव बीन, तो उसी अनुसार से यहाँ पे पहले तो मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया माई फ्रेंड, उसके बाद हैज का पैसिव वॉइस हमने कर दिया हैज बीन, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में फिर से जाएंगे सब्जेक्ट प्लस ऑग्जिलरी वर्ब प्लस भी थ्री, तो हैज बीन के बाद भी थ्री यानी हेल्प्ड ही होगा क्योंकि ये भी थ्री फॉर्म में है ही। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट बाई हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, तो उसी तरीके से यहाँ पे माई वर्क को लेके आ जाएंगे यहाँ पे। अब दूसरी बात, हैव के बाद भी थ्री लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा हैव बीन या फिर हैज बीन, ये दोनों में से कोई एक होगा, उसी ग्रुप का होगा। तो माई वर्क सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे हैज बीन लगेगा, हैव बीन प्लूरल में लगता है, तो यहाँ पे आपका हो गया माई वर्क हैज बीन। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, ऊपर देखिए डिफ़ॉल्ट फार्मूला में यहाँ पे वर्ब के बाद यहाँ पे तीसरी फॉर्म, तो कम्प्लीटेड यहाँ पे ऑलरेडी तीसरा फॉर्म में है ही। उसके बाद बाई देम है ना, ऑब्जेक्ट आएगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट, एक मिनट, हाँ जी, तो ये दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। चलिए अब चलते हैं दूसरा तरीका, मतलब दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देते हैं। आपको ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना है, और उतने सारे जो रूल है ना, सिर्फ 8 रूल में ख़त्म हो जाता है पूरा टेंस का वॉइस, तो उतने सारे रूल से बस आपको ये आपको सेटिंग याद रखना है कि किसके साथ क्या होना है, ठीक है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं लास्ट में इसका बताने वाला हूँ कैसे याद रखोगे। तो चलिए, अगर एक्टिव वॉइस में भी टू दिखाई देता है, भी टू यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म, तो अगर आपको भी वन भी टू नहीं आता है तो टेंस बहुत कमज़ोर है। मैंने बताया था ना टेंस में 13 वीडियो लेक्चर करवाया हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं है, और आप लोग पता ना क्या अपने आपको, ठीक है ना, तो देख लेना तभी आएगा। भी टू का पैसिव वॉइस होगा बाज या वर, मतलब कहने का मतलब कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की दूसरी फॉर्म दिखाई दिया तो उसका पैसिव वॉइस होगा बाज या फिर वर, और ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में सेटिंग कर देंगे सब्जेक्ट प्लस बाज वर प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। चलिए अभी तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे चेंजिंग होगा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में बाज बर प्लस भी फोर दिखाई दिया
देखिए इसको रटना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इज एम आर प्लस वी फोर था और अब की बार है बाज बर प्लस वी फोर, तो ये पास्ट में बस चला गया। तो जैसे ही आपको बाज बर प्लस वी फोर दिखा तो पैसिव वॉइस में आपका हो जाएगा बाज बर प्लस बींग, ठीक है, बी ई आई एन जी। उसमें क्या होता था, इज एम आर प्लस बींग, तो इसमें हो जाएगा बाज बर प्लस बींग। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैड प्लस भी थ्री दिखाई दिया, ठीक है, उसमें क्या था, हैज हैव प्लस भी थ्री, प्रेजेंट में हैज हैव होता है तो पास्ट में आपका हो जाएगा हैड। तो अगर हैड के बाद भी थ्री दिखाई देता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में कर देना है हैड विन, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, हैज विन हैव विन, तो इसमें करेंगे हैड विन। क्लियर, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब एग्जांपल में आते हैं। पहला एग्जांपल है ही वाज टीचिंग इंग्लिश, जैसे ही आपको यहाँ पे दिखाई दिया बाज प्लस भी फोर, या फिर आप यूँ कहें बाज प्लस आई एन जी फॉर्म वाला वर्ब, तो ये वाला रूल चलेगा बाज प्लस भी फोर। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे इज एम आर प्लस भी फोर, तो बाज प्लस भी फोर टेंशन बिल्कुल भी न लेना, बस बींग लगा देना है जैसे इज एम आर में लगाते थे। तो यहाँ पे भी बाज वर प्लस भी फोर का पैसिव वॉइस हो जाएगा बाज वर प्लस बींग। सबसे पहले तो वो काम करना जो शुरू में डायग्राम बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो पहले इंग्लिश को लिख दिए, और इंग्लिश सिंगुलर है ना, तो इसके लिए बाज लगेगा, तो इंग्लिश बाज, और बाज प्लस भी फोर था इसलिए पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश बाज बींग, ठीक है। और उसके बाद ये आएंगे डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में, तो इसके बाद हमें चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पे तीसरी फॉर्म हम कर देंगे क्या, टाउट, क्योंकि टीच का मतलब होता है पढ़ाना और इसका तीसरा फॉर्म होता है टाउट, और दूसरा भी यही होता है, तो हमने यहाँ पे कर दिया इंग्लिश वाज बीइंग टाउट। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई हिम, ही का पैसिव वॉइस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, राम कंपोज्ड अ पोएम। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कंपोज्ड कौन सा वर्ब है, भी टू, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो जैसे ही आपको भी टू दिखाई दिया तो आपको यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बाज या वर बनाना है। पहले वो काम करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ए पोएम को यहाँ पे मैंने बना दिया है सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे है भी टू, तो भी टू का पैसिव वॉइस होता है बाज या वर, तो ए पोएम एक ही कविता है ना सिंगुलर, तो इसके लिए लगाएंगे बाज, अ पोएम बाज, ठीक है। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में है भी थ्री, तो कंपोज्ड का भी थ्री कंपोज्ड ही होता है, भी टू और भी थ्री एक ही होता है, तो कंपोज्ड, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई राम हो जाएगा, राम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेखा बाउट अ न्यू कार। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये क्या है, वाउट यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म, तो वर्ब की दूसरी फॉर्म का पैसिव वॉइस होता है बाज या वर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ न्यू कार को पहले लेके आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे मैंने पैसिव वॉइस में न्यू को मैंने नहीं लिखा है, जो मेरी गलती है, आप लोग यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए न्यू कार, और वी टू का पैसिव वॉइस एक ही कार है ना, इसलिए बाज, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, तो बाज के बाद भी थ्री, ठीक है ना, तो भी थ्री हमारा बाउट ही है, वाई रेखा, ठीक है। चलिए दूसरा, मैंने इसके बाद वाला एग्जांपल है दे वर हेल्पिंग मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाज वर प्लस भी फोर, तो जैसे ही आया बाज वर प्लस भी फोर, तो यहाँ पे बाज वर प्लस बींग करना है, तो मैंने क्या किया, मी को पहले आई में चेंज किया, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में करना है और आई के साथ लगेगा बाज, तो मैंने कर दिया आई बाज। और यहाँ पे देखा वर के बाद है बी फोर यानी हेल्पिंग, तो मैंने कर दिया बींग, यहाँ तक तो ठीक है, आई वाज बींग। उसके बाद हमें डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बोलता है कि भी थ्री चाहिए, तो मैंने भी थ्री को कर दिया हेल्प्ड। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई देम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है दे हैड स्टोलेन माई पेन।
तो यहाँ पे देखिए माई पेन है, ये पहले बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे ही हेड दिखा ना, हेड कहीं भी दिख जाए ना पूरा वॉइस में, तो मैं बता देता हूँ, उसके बाद बिन लगा देना, ठीक है। हेड के बाद भीतरी जैसे ही दिखा तो हेड बिन हो जाएगा, माई पेन हेड बिन, क्योंकि हेड पास्ट में होता है, इसके साथ दूसरा कोई वर्ब होता ही नहीं, जैसे हैज के साथ हैव होता है, हेड तो पास्ट में अकेले होता है, तो माई पेन हेड बिन। उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में आएंगे तो स्टोलेन हो जाएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, स्टोलेन बाई देम, चूँकि बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, है ना, क्लियर, यहाँ तक चला हो गया है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है सी हैड कुक्ड फूड, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हैड प्लस भीथ्री यूज किया गया है, तो हैड जैसे ही दिखा ना भीथ्री उसके बाद, तो आपको हैड बीन कर देना है, तो पहले तो हमने फूड को बनाया ऑब्जेक्ट और हैड दिखा तो हैड का पैसिव वॉइस हैड बीन, उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर की मदद से वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो कुक्ड हो जाएगा, इसका तीसरा और दूसरा एक ही फॉर्म होता है, तो यहाँ तक मैंने कर लिया, फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, चूँकि यहाँ पे है सी तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो यहाँ पे हमने कर लिया फूड हैड बीन कुक्ड बाई हर, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बातें आपको याद रखनी है, सेल या बिल प्लस भीवन, इसका तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे टेंस करवा रहा हूँ ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है, जो लोग टेंस पढ़ेंगे उनको तो पता चल रहा होगा कि मैं कौन कौन से टेंस में जा रहा हूँ, उनको पता चल रहा होगा पक्का। तो यहाँ पे देखिएगा पहला जैसे दिखाई दिया सेल बिल प्लस भीवन, तो इसका पैसिव वॉइस होगा सेल बिल प्लस बी, बी ई बी, है ना, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई दिया सेल बिल प्लस हैव, इसमें हैज दिखाई नहीं देगा, ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस करना है सेल या बिल प्लस हैव बीन। क्या मैंने बताया था, हैव दिखे हैव बीन करो, हैड दिखे हैड बीन करो, हैव या हैज दिखे हैज बीन या हैड बीन हैव बीन करो, मैंने बताया था ना उसी तरीके से। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, सी बिल हेल्प माई ब्रदर, तो पहले तो माई ब्रदर हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा ना, माई ब्रदर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे माई ब्रदर, और बिल का पैसिव वॉइस बिल बी, सेल का सेल बी, कैन का कैन बी, मे का मे बी, शुड का शुड बी, मैं बाद में बताऊँगा ये क्या ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे माई ब्रदर बिल बी, क्लियर, यहाँ पे देखो ना सेल या बिल प्लस बी। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो हेल्प का तीसरा फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई और सी का क्या हो जाएगा हर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया माई ब्रदर विल बी हेल्प्ड बाई हर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लिखा हुआ बी सेल राइट अ स्टोरी, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही सेल दिखा ना, तो सेल का पैसिव वॉइस सेल बी, कैन का कैन बी, बिल का बिल बी, मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे अ स्टोरी पहले लेके आएंगे, तो अ स्टोरी और स्टोरी सिंगुलर है भाई साहब, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ सेल नहीं लगेगा, इसके साथ बिल लगेगा, एक ही फैमिली का है ना सेल या बिल, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टोरी बिल बी। उसके बाद हमें चाहिए भीथ्री, डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर में बार बार यूज कर रहा हूँ, तो भीथ्री के लिए राइट का भीथ्री रिटेन हो जाएगा बाई अस, है ना, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखा हुआ सी बिल हैव इन्फॉर्म्ड मी, अब यहाँ पे देखिए बिल हैव है ना, यहाँ पे देखिए बिल हैव, तो बिल हैव का पैसिव वॉइस होता है बिल हैव बिन या फिर सेल हैव बिन, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने मी को पहले ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके बाद आई के अनुसार सेल लगेगा, तो मैंने लिख दिया सेल हैव बिन। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो इनफॉर्म का भीतरी यहाँ पे क्या होगा, इनफॉर्म्ड होगा, ठीक है, तो आई सेल हैव बीन इनफॉर्म्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई हर, ठीक है ना, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सी है और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। अब देखिए मैंने जितना जो स्ट्रक्चर अभी तक करवाया, इतने सारे जो आपको स्ट्रक्चर करवाए, उसको मैंने एक ही जगह पे इसलिए रखा है ताकि आपको मैं याद करवा पाऊँ, दिखा पाऊँ,
तो देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा, लास्ट टाइम आ चुका है, ठीक है ना, लास्ट टाइम आ चुका है ना। तो एक्टिव वॉइस ये जो आपको है, इस टाइप है जो एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, और इस तरफ है जो आपको पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, समझिए बात को, कैसे हम याद रखेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने टेंस पढ़ी है तो भी याद होगा, और नहीं पढ़ी है तो भी याद होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब था वो वी वन या वी फाइव था ना, आपने पढ़ा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रहेगा यानी वी वन वी फाइव रहेगा, तो पैसिव में उसको सिर्फ इज एम आर में चेंज करके डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर से बदल देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपको इज एम आर प्लस वी फोर देखा, तो वी फोर होता है ना आई एन जी फॉर्म वाला, तो आपको याद रखना है आई एन जी लगेगा इसके बाद, ठीक है। तो यानी इज एम आर प्लस वी फोर का पैसिव वॉइस हो जाएगा इज एम आर प्लस बींग, ठीक है। और ठीक उसी तरह से बाजवर तो इज एम आर का पास्ट में है ना, तो पास्ट में आपको पता होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसके हिसाब से देखो। तो बाजवर प्लस वी फोर, और वी फोर का मतलब है आई एन जी, तो जैसे इज एम आर में किया उसे ही बाजवर में, बाज अवर में होगा, तो बाजवर प्लस बींग, क्योंकि बींग भी आई एन जी वाला है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तीसरा, हैज हैव के बाद भी थ्री, तो भी थ्री का मतलब है वर्ब की तीसरी यानी तीसरा रूप, तो उसी तरह से हैज हैव के बाद बीन लगेगा, और बीन वर्ब का तीसरा रूप है, किसका, बी ई बी मतलब होना होता है, उसका तीसरा रूप है, ऐसे भी नहीं याद रहता है। तो देखो, हैव हैज दिखाई दिया, उसके बाद भी थ्री, तो हैज हैव भी थ्री का पैसिव वॉइस होगा हैज बीन या हैव बीन। ठीक उसी तरह से पास्ट में जाओगे तो हैड का पैसिव वॉइस होगा हैड बीन, ठीक है। और यहाँ पे भी टू पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर है, टेंस प्रयोगी तो सब पता चल रहा होगा। यहाँ पे भी टू, तो भी टू का पैसिव वॉइस हो जाएगा बाज यवर, ठीक है, ये याद रखना। और ये बाज भी तो दूसरा रूप है यार बी का, बी ई बी का, ठीक है ना, दूसरा। चलो आगे, सेल बिल के बाद अगर भी वन दिखाई दिया तो सेल बी या बिल बी, मैं आपको बताऊं इसके लिए एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर बताऊंगा। देखो, कोई भी मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब आपको दिखाई दिया एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस हो जाएगा मॉडल ऑक्जिलरी वर्ब प्लस बी ई बी, यानी कैन का पैसिव वॉइस कैन बी, सेल का सेल बी, मे का मे बी, सुड का सुड बी, मस्ट का मस्ट बी, इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, सेल बिल के बाद अगर हैव दिखाई दिया तो हैव के बाद, हैव का पैसिव वॉइस क्या होता है, हैव बीन, तो ऐसे याद रखो ना, सेल बिल प्लस हैव, तो सेल बिल प्लस हैव बीन, यानी सेल हैव बीन या फिर बिल हैव बीन, ऐसे याद रखना है। तो मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन करवाऊँगा, और लास्ट में बहुत सारा एक्सरसाइज करवाऊँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आप अच्छे से रूल को समझ पाएँ। इस वीडियो को आपको अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखना है, और जाकर अपने कोई भी बुक है उससे वॉइस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आज तक इतना ही।